दोस्तों, अगर आप भी शुभमन गिल को दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बिखरती हुई टीम इंडिया को जब शुभमन गिल ने अपने बल्ले से दहाड़ लगाते हुए न केवल संभाला बल्कि तूफान शतक ठोक इंग्लैंड की धज्जियां उड़ा दी, तो उनका यह करिश्मा देखकर केवल इंग्लैंड की टीम ही नहीं बल्कि क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर से लेकर उनकी बेटी सारा तेंदुलकर की भी आंखें फटी की फटी रह गई। और फिर उन्होंने गिल के लिए तारीफ के कसीदे पढ़ डाले, तो आखिर ऐसा क्या कुछ सचिन तेंदुलकर और उनकी बेटी सारा ने कहा, जिसे सुनकर हर कोई सलाम करने पर मजबूर हो गया। कैसे गिल ने उधेड़ी इंग्लैंड गेंदबाजों की बकिया, उन दोनों का बयान भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच विशाखापट्टनम के मैदान पर दूसरा टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा था। टीम इंडिया ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड पर हावी नजर आ रही थी और 170 रनों की लीड ले चुकी थी और 28 रन बनाकर जायसवाल और रोहित शर्मा मैदान पर टिके हुए थे। लेकिन तीसरे दिन का खेल शुरू होते ही इंग्लैंड के गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने गेंदबाजी करते हुए तूफान मचा दिया और भारतीय टीम को बिखेर कर रख दिया। टीम इंडिया की पारी 30 रनों के स्कोर पर बिखर गई। दो बल्लेबाज बहुत जल्द पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैदान पर श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल बल्लेबाजी कर रहे थे। शुभमन गिल ने धीरे धीरे टीम इंडिया की पारी को संभाला, लेकिन इन्हें भी इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना करना बेहद मुश्किल लग रहा था। बाल बाल बच रहे थे, मगर गिल ने डटकर सामना किया और इंग्लैंड गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दी। एक के बाद एक गिल ने कई चौके लगाए। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और उनके छक्के लगाने शुरू कर दिए और तेजी से स्कोर को आगे बढ़ाया। देखते ही देखते टीम इंडिया 200 रनों की लीड हासिल कर गई। इसके बाद भी गिल मैदान पर टिके रहे, मगर उसका साथ श्रेयस अय्यर छोड़कर चले गए, लेकिन वो इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते रहे। देखते ही देखते शुभमन गिल ने घातक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए रुकने का नाम नहीं लिया। 61 गेंद में उन्होंने अपना तूफान शतक ठोककर टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। इसके बाद भी शुभमन गिल का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया, लगातार इंग्लैंड के गेंदबाजों की धुनाई करते गए। भले ही एक तरफ से उन्हें किसी अन्य बल्लेबाजों का साथ नहीं मिला, लेकिन गिल अकेले दम पर उन्होंने पूरे मैच का रुख पलट कर रख दिया। पहले टीम इंडिया को 250 रनों की लीड दिलाई, तो फिर टी ब्रेक से वापस आने के बाद भी उनका कोहराम थमा नहीं। पूरी टीम इंडिया की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाते हुए उन्होंने तूफानी शतक जड़ दिया और इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया। इसके बाद तो भारतीय खेमा खुशी से झूम उठा, स्टेडियम में बैठे दर्शक भी जश्न मनाने लगे। उन्होंने अकेली टीम इंडिया की 350 रनों से अधिक की लीड दिला दी। उसके बाद भी भारतीय बल्लेबाजों की घातक बल्लेबाजी जारी रही और टीम इंडिया ने 250 रनों से अधिक की लीड हासिल कर ली, जिसे देखकर तो स्टेडियम में बैठे दर्शक भी खुशी से झूम रहे थे। भारतीय खेमा भी गिल के प्रदर्शन पर तालियां बजा रहा था। गिल की पारी में सबसे खास बात तो ये थी कि उनके 8 शानदार चौके और एक गगनचुंबी छक्के के साथ उन्होंने बाउंड्री से केवल 38 रन बना लिए थे। उनकी बल्लेबाजी देखकर क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर और उनकी बेटी सारा तेंदुलकर भी हैरान रह गई और फिर उन्होंने दिल पर बयान देते हुए हर किसी का दिल जीत लिया। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं क्या कुछ इन दोनों ने अपने बयान में गिल को लेकर कहा है। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने गिल की बल्लेबाजी पर बयान देते हुए कहा है कि तीसरे दिन टीम इंडिया के दो बल्लेबाज बहुत जल्द पवेलियन लौट गए। उसके बाद शुभमन गिल ने टीम इंडिया की पारी को संभाला और बेहतरीन बल्लेबाजी की। लंबे समय से उनका बल्ला खामोश था, लेकिन वो इस मैच में रन बनाकर अपने आलोचकों को करारा जवाब दे दिया। और गिल की बल्लेबाजी देखकर मैं बेहद प्रसन्न हूँ, मुझे उम्मीद है कि वो टीम इंडिया को जरूर इस टेस्ट मैच में जीत दिलाएंगे। वहीं गिल की गर्लफ्रेंड सारा तेंदुलकर ने भी बयान देते हुए कहा है कि वेल प्लेड, आपकी बल्लेबाजी देखकर बहुत मजा आया। जब भारत को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी और हम मुश्किल में थे, तब आपने टीम इंडिया का साथ निभाया और अपने बल्ले से रन बनाए। ये एक चैंपियन खिलाड़ी की निशानी है। मुझे पूरी उम्मीद है आप टीम इंडिया को जरूर जीत दिलाएंगे। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर और उनकी बेटी सारा तेंदुलकर ने गिल की तारीफ करते हुए हर किसी को हैरान कर दिया। लेकिन अब आपको क्या लगता है, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, गिल के सामने मस्तक हुआ इंग्लैंड तूफानी शतक ठोककर मचाई इस युवा खिलाड़ी ने तबाही, तो पूरी दुनिया उन्हें सलाम करने को मजबूर हो गई। यहां तक कि खुद दुनिया भर के बड़े बड़े दिग्गज भी अब उनकी तारीफों के कसीदे पढ़ने को मजबूर हो गए। तो आखिर रिकी पॉन्टिंग से लेकर ब्रेंडन मैकिलम भी हुए गिल के मुरीद। आखिर शोएब अख्तर से लेकर सचिन, किन किन दिग्गजों ने क्या कुछ कह डाला गिल के इस ऐतिहासिक शतक पर, उन सभी के हैरत अंगेज बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि गिल और यशस्वी में कौन सबसे बेहतरीन युवा ओपनर खिलाड़ी है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, दूसरा टेस्ट मैच शुरू होने से पहले यदि किसी खिलाड़ी की सबसे अधिक आलोचना हुई तो वो थे टीम इंडिया के शुभमन गिल। यहां तक कि लोगों ने तो उन्हें टीम से बाहर निकालने की भी डिमांड कर ली थी, लेकिन रोहित को उन पर बहुत भरोसा था। कप्तान ने उन्हें दूसरे टेस्ट मैच में आखिरी मौका दिया और गिल ने बता दिया कि आखिर वो क्यों एक खरा सोना है।
तीसरी पारी में भारत का टॉप ऑर्डर पूरी तरीके से बिखर गया था। रोहित यशस्वी से लेकर कोई भी बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं कर पाया था। ऐसा लगा था इंग्लैंड मुकाबले में वापसी कर जाएगी, लेकिन सलाम है शुभमन गिल को। उनका हौसला बुलंद था और उनके मजबूत इरादों के सामने खुद इंग्लैंड के दिग्गज गेंदबाज भी घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। तूफानी अर्धशतक लगाया और केवल 61 गेंद पर इस दौरान उन्होंने 38 रन तो केवल चौके छक्कों से ही बटोर लिए थे, तो उसमें उसके बाद भी रुकना क्या होता है, वो तो उन्होंने बचपन से कभी सीखा ही नहीं। दूसरी तरफ से वो साथी बल्लेबाजों के साथ मजबूत पार्टनरशिप बनाते रहे, टीम इंडिया को मुकाबले में उन्होंने जिंदा रखा और फिर वो क्षण आया जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। जी हां, शुभमन गिल ने चौके छक्कों की बरसात करते हुए आखिरकार अपने शतक के आंकड़े को लंबे समय के बाद पार कर लिया था। इस खूबसूरत पल पर तो शायद उनसे ज्यादा खुश कोई भी नहीं था। इस दरमियान उन्होंने 14 से भी अधिक खौफनाक चौके छक्के बरसाए और इंग्लिश गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए टीम इंडिया को 350 रनों से भी बड़ी लीड दिला दी। उनकी वजह से ही टीम इंडिया इतनी बड़ी लीड हासिल कर पाई थी। उनकी धाकड़ बल्लेबाजी देखकर तो पूरी दुनिया दंग रह गई। जहां एक तरफ हर एक हिंदुस्तानी उन्हें सलाम कर रहा था, तो वहीं दुनिया भर के दिग्गजों ने भी इस खिलाड़ी की तारीफों के कसीदे पढ़े हैं। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी केविन पीटरसन का कहना है कि कहीं ना कहीं यदि गिल मैदान में नहीं होते तो टीम इंडिया ये मुकाबला भी गवा देती, क्योंकि हमारे गेंदबाज टॉप फॉर्म में चल रहे थे। उनकी ये पारी लोन वॉरियर की तरह आई जो इसे और भी ज्यादा खास बनाती है। वेल प्लेड यंग मैन, आपको खुद पर गर्व होना चाहिए। तो वहीं खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने कहा, सबसे मुश्किल घड़ी में जो खिलाड़ी हीरे की तरह चमकता है उसका नाम शुभमन गिल है। ये टेस्ट क्रिकेट की वन ऑफ द बेस्ट पारियों में से एक है। इतनी मुश्किल घड़ी में यदि शायद गिल नहीं होते तो शायद हम इंग्लैंड पर इतनी बड़ी लीड कभी नहीं ले पाते। उन्हें इस खूबसूरत पारी की बहुत बहुत बधाई। यहाँ तक कि उनकी पारी के चर्चे तो पाकिस्तान तक हो रहे हैं, जहाँ खुद शोएब अख्तर का कहना है कि माशाल्लाह मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है गिल के लिए। इस होनहार खिलाड़ी में इतना टैलेंट है, ये उनसे पता नहीं कितनी बार उसने दिखाया है। मुझे लगता है कि यंग जनरेशन में गिल जैसा खिलाड़ी कोई भी नहीं है। गिल और यशस्वी के रूप में टीम इंडिया को दो सबसे टैलेंटेड खिलाड़ी मिल चुके हैं। वेल डन गिल, आप नेक्स्ट विराट कोहली जरूर बनेंगे, ऐसा मेरा कहना है। जी हां दोस्तों, जहां एक तरफ शोएब अख्तर गिल को नया विराट कोहली बता रहे हैं, तो वहीं उनकी खतरनाक पारी देखकर तो इंग्लैंड के कोच ब्रैंडन मैकुलम के भी होश उड़ गए। ड्रेसिंग रूम में बैठे-बैठे मैकुलम केवल गिल की बल्लेबाजी का लुत्फ उठाते रह गए। यहां तक कि उन्होंने गिल को इस पारी के लिए बधाई भी दी और उनकी खूब तारीफ भी करी है। यहां तक कि उनका यह भी कहना था कि यदि गिल नहीं होते तो इंग्लैंड यह मैच जीत जाता। उनके अलावा दोस्तों, खुद महेंद्र सिंह धोनी भी गिल के लिए बेहद खुश थे। उनका कहना है कि पहली पारी में यशस्वी जायसवाल, दूसरी पारी में शुभमन गिल निश्चित तौर पर टीम इंडिया में जितना यंग टैलेंट है वैसा दुनिया में कहीं नहीं है। इस खिलाड़ी को खूब बधाई, उन्होंने एक बार फिर दिखाया कि वो दुनिया जीतने के लिए बने हैं और कोई भी उन्हें उसका मुकाम हासिल करने से नहीं रोक सकता है। तो वहीं अंत में रिकी पोंटिंग ने भी गिल को सलाम किया। गिल को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि गिल मेरे पसंदीदा खिलाड़ियों में से एक हैं। उन्होंने इस मैच में टीम इंडिया को जिंदा रखा है। जब उनका बैट चलता है तो ऐसा लगता है जैसे खुद सचिन तेंदुलकर मैदान में उतर आए हो। उनकी बैटिंग देखना मुझे खूब पसंद है। दुनिया के युवा खिलाड़ियों की लिस्ट में कहीं ना कहीं गिल टैलेंट के मामले में नंबर वन पर आते हैं। बहुत खूब। जी हां दोस्तों, पूरी दुनिया का गिल ने दिल जीत लिया, हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि गिल और यशस्वी में कौन सबसे बेहतरीन युवा खिलाड़ी है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, पहले टेस्ट मैच में जीत के साथ इंग्लैंड दूसरे टेस्ट में कॉन्फिडेंस के साथ उतरी थी, लेकिन पहले दो दिनों में ही टीम इंडिया ने इंग्लिश टीम को घुटनों पर ला दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी के ताबड़तोड़ 209 रनों की बदौलत टीम इंडिया ने 396 रन बना डाले थे। जवाब में इंग्लिश टीम ने भरपूर कोशिश की भारतीय टीम से मुकाबला करने की, लेकिन बुमराह की लेजर गाइडेड मिसाइल्स जैसी गेंदबाजी के सामने अंग्रेजों की एक न चली। बुमराह ने एक साथ 6 विकेट चटकाए और पूरी की पूरी इंग्लैंड की टीम को 253 रनों पर समेट दिया। नतीजा हुआ कि दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया बल्लेबाजी में आ चुकी थी और यशस्वी और रोहित ने मिलकर 5 ओवर में 28 रन ठोक दिए थे। टीम इंडिया की लीड 171 रनों की हो चुकी थी। अब इस रोमांचक टेस्ट मैच के तीसरे दिन एक बार फिर रोहित और यशस्वी अपनी टीम को एक बहुत बड़े स्कोर तक ले जाने के इरादे से उतर चुके थे। दूसरी तरफ खड़े थे इंग्लैंड के घातक गेंदबाज जिन्हें जल्द से जल्द विकेटों की तलाश थी। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने परिस्थितियों को भांपते हुए पहले ओवर से ही स्पिन गेंदबाजों का सहारा लिया। जो रूट को पहले ओवर में ही उन्होंने गेंदबाजी सौंपी और उन्होंने भी पहला ओवर मेडन निकाल दिया, या कहें रोहित ने उन पर बिल्कुल भी रन लेने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने संभल कर पारी की शुरुआत करने का मन बनाया था, लेकिन दोस्तों स्पिन
नहीं, यहाँ तो एक बार फिर पेश का जादू चला। रोहित शर्मा का फॉर्म खराब रहा, एक बार फिर उनके लिए बड़ी मुसीबत बना, जहाँ केवल दिन के दूसरे ही ओवर में जेमी एंडरसन ने अपनी चौथी गेंद पर रोहित शर्मा को चारों खाने चित करते हुए उनके तीनों विकेट उखाड़ फेंके और रोहित को क्लीन बोल्ड कर उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में मातम ला दिया था, जहाँ भारतीय कप्तान केवल 13 रन बनाकर पवेलियन गए और टीम इंडिया को बहुत जल्दी पहला झटका लग गया। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में मोर्चा संभालने के लिए शुभमन गिल कदम रख चुके थे। अपने अगले ही ओवर में उन्होंने सबसे बड़ी मछली यशस्वी जायसवाल को भी अपने जाल में फंसाया। एंडरसन की गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा ले गई और जो रूट ने कोई गलती नहीं की, जहां यशस्वी जायसवाल केवल 17 रन बनाकर पवेलियन गए और अपने दो ओवर में दो विकेट लेकर एंडरसन ने भारतीय टीम की कमर तोड़ दी थी। पूरा हिंदुस्तान निराश था क्योंकि इंग्लैंड ने सुबह सुबह ही तगड़ा पलटवार कर दिखाया था। नंबर 4 के मैदान पर बल्लेबाजी करने श्रेयस अय्यर आ चुके थे, उसी वक्त गेंदबाजी करने आए टॉम हार्टली ने गिल को अपने जाल में फंसा लिया। उनकी गेंद पर LBW आउट हो गए थे, अंपायर भी उंगली खड़ी करते हैं। हालांकि गिल ने चालाकी दिखाई और उन्होंने तुरंत रिव्यू का इस्तेमाल किया और अपना विकेट बाल बाल बचा लिया, वरना टीम इंडिया तो बड़ी मुसीबत में फंस जाती। 10 ओवर में भारतीय टीम ने 34 रन बना लिए थे, जहां हमारे दो बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ा रहे थे। इन दोनों ने संभल कर बल्लेबाजी करनी शुरू की, लेकिन बैटिंग इतनी आसान नहीं था। दोनों के खिलाफ कोई ऐसी गेंद सामने आई जिसमें ये दोनों ऑल आउट होने से बाल बाल बचे थे।